हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत 10 दिवसीय राजस्थान यात्रा के दौरान शुक्रवार को दोपहर जोधपुर पहुंचे। यहां आरएसएस के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जोधपुर में एक दिन ठहर पदाधिकारियों से फीडबैक ले वे नागौर जाएंगे। वहां 5 दिन ठहरने के बाद वे जयपुर जाएंगे। भागवत आज दोपहर बाद एयरप्लेन से जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत आरएसएस के पदाधिकारियों ने किया। यहां से वे हेडगेवार भवन पहुंचे। रात्रि विश्राम जोधपुर में करने के बाद शनिवार को नागौर जाएंगे। 5 दिवसीय नागौर प्रवास के दौरान वे संघ के 3 प्रांतों के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। 5 दिन तक लगातार चलने वाली मैराथन बैठकों के दौर के जरिए वे न केवल संघ की गतिविधियों और शाखाओं के विस्तार की समीक्षा करेंगे, बल्कि राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे। प्रांत संघ चालक ललित शर्मा ने बताया कि 22 और 23 सितंबर को नागौर स्थित शारदा बाल निकेतन परिसर में जोधपुर प्रांत के सभी मंडल कार्यवाह स्तर के कार्यकर्ताओं के शिविर को संबोधित करेंगे। बैठक में 24 और 25 सितंबर को संगठनात्मक चर्चा, कार्य विस्तार और स्वयं सेवक को परीक्षण पर चर्चा की जाएगी। 5 दिवसीय बैठक में सरसंघचालक राजस्थान के वानप्रस्थी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में विभिन्न शाखाओं के करीब 1000 से अधिक स्वयं सेवक शामिल होंगे। बैठक के अंतिम दिन 26 सितंबर को जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़ प्रांत के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक होगी। 5 दिन नागौर में ठहरने के बाद भागवत जयपुर जाएंगे। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।